नमस्कार, हम बॉम्बे सैपर्स की 200वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह पर्व प्रत्येक बॉम्बे सैपर के लिए गर्वमयी पर्व है। आज इस मंच में हमारे बीच एक जाना माना नाम उपस्थित है, जिनका नाम रोइंग के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। नायब सूबेदार दत्तू बबन भोकनाल। दत्तू भोकनाल, आपका इस मंच में बॉम्बे सैपर्स की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। दत्तू भोकनाल, आपका रोइंग का लंबा सफर बहुत ही सराहनीय है, आप अपनी उपलब्धियों के विषय में हमें बताएं। नमस्ते, मैंने 2012 में आर्मी ज्वाइन किया था। तो उससे पहले मैं गांव में खेती का काम और कुएं का काम करता था, तो पिताजी के साथ उसी काम में हेल्प करता था गांव में। तो 2012 में मेरा आर्मी में सिलेक्शन होना, तो मेरा ट्रेनिंग सेंटर बॉम्बे सैपर्स दिया गया। तो उस टाइम बॉम्बे सैपर्स के नायब सूबेदार अली साहब फौज थे, कुदरत अली, तो उनके अंडर मैंने रोइंग का ट्रेनिंग शुरू किया था। तो उससे पहले जब मैं गांव में कुएं का काम करता था, तो जैसे मैं रोइंग में आया तो कुएं का काम मेरे रोइंग का काम मेरे लिए काफ़ी मतलब हार्ड नहीं रहा, ताकि मेरी बॉडी और मसल्स और जो भी बॉडी स्ट्रेंथ थी वो कुएं के काम में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। तो रोइंग में मुझे बस थोड़ा सा टेक्निक चेंज करना पड़ा, या अली साहब ने काफ़ी उसके ऊपर जोर दिया, तो उसके बाद जाके रोइंग मेरे लिए मतलब धीरे धीरे नॉर्मल होने के लिए किया। तो 2012 के बाद मैंने 2013 में रोइंग चालू किया, 12 इंडिंग से स्टार्ट किया रोइंग। 13 में अच्छी मेरी रोइंग चालू हुई, तो 14 में मैंने नेशनल में 2 गोल्ड जीते सीनियर नेशनल में। 2014 में मैंने साउथ कोरिया में एशियन गेम्स हुआ था, वहां पर मेरा डबल स्कल इवेंट में फर्स्ट टाइम 5th नंबर आ गया। 2015 में मैंने हैदराबाद में कैंप अटेंड किया, उस कैंप के दौरान एशियन चैंपियनशिप का कैंप चल रहा था, तो उस कैंप में मैंने चाइना में जब हमारा एशियन चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन हुआ था, उस कॉम्पिटिशन में मैंने सिल्वर मेडल जीता सिंगल स्कल इवेंट में। और 2016 ओलंपिक क्वालिफायर रेगाटा था, तो उस ओलंपिक क्वालिफायर रेगाटा के दौरान मैंने ओलंपिक को रिप्रेजेंट किया देश को रियो में, तो उस टाइम मेरा सिल्वर मेडल था। और उसी दौरान मैं जब US में ट्रेनिंग कर रहा था, तो काफ़ी टफ ट्रेनिंग थी मेरी वहाँ पर, तो 47 डिग्री सेल्सियस में प्रैक्टिस चल रहा था मेरा। तो वहाँ पर US में मेरी एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो जब मैं बॉम्बे सैपर्स में आया था तो ज़्यादातर आपने मतलब हिंदी में बात करते थे, इंग्लिश मेरे काफ़ी कमज़ोर थी। तो जैसे मैं US में प्रैक्टिस के लिए गया, तो वहाँ पर खाने की प्रॉब्लम से लेके ट्रेनिंग के बाद चीत करने तक जितनी भी टेक्निक रोइंग की थी वो इंग्लिश में थी, वो तो समझ जाता था, लेकिन जितना भी रूम्स का या फिर कहीं का बाहर का माहौल हो तो इंग्लिश में बात करना काफ़ी टफ होता था मेरे लिए। हाँ, काफी मतलब बट वहाँ पर सीख गया मैं धीरे धीरे धीरे, अभी मतलब अच्छे से इंग्लिश बोल सकता हूँ मैं। तो उस टाइम इंग्लिश थोड़ी कमजोर रहती थी, और US के और इंडिया की इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है। तो वहाँ पर एक US नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, तो मेरे कोच थे पोल मुखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस कॉम्पिटिशन में हमने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर मैंने गोल्ड जीता, तो हौसला और थोड़ा बढ़ गया कि मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ। उसके एक महीने बाद ब्राज़ील में ओलंपिक होने वाला था, तो ओलंपिक में जब हम वहाँ पहुँचे तो रेस स्टार्ट हो गई, तो बारिश भी काफ़ी थी और कंडीशन काफ़ी टफ था। तो इंडिया की तरफ से मैं अकेला था, और बॉम्बे सैपर्स की तरफ से अकेला एक बंदा ओलंपिक रिप्रेजेंट किया था। तो उस साल ऐसा हुआ कि जो भी पोजीशन थी ओलंपिक की सिंगल्स में जिस इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो इससे पहले 16th, 19th, 20th ऐसे पोजीशन थी, उस टाइम अच्छी पोजीशन अपने सेंटर की आई, 13th प्लेस अपनी आई, मतलब 13 प्लेस जैसे यहाँ पर आई, तो मतलब काफ़ी अच्छा फील होने लगा कि मैंने देश के लिए थोड़ा सा काम किया, अपना बॉम्बे सैपर्स के लिए मतलब जितना मुझे बॉम्बे सैपर्स ने दिया उसके लिए थोड़ा सा मैं काम कर सका, ताकि मतलब गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बॉम्बे सैपर्स के ट्रेनिंग की वजह से यहाँ पर पहुँच सका, ताकि जो सपोर्ट्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। दत्तू भोकनाल, हम आपसे यही पूछने लगे थे कि बॉम्बे सैपर्स होने के नाते आपने जो उपलब्धियाँ पाई उसमें आप बॉम्बे सैपर्स का योगदान कहाँ तक? आज तक मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मतलब ओलंपिक या मेरा नाम जहाँ पर है, तो मैं अगर दूसरे कोण में होता वो नहीं जान सकता मैं, और या फिर दूसरी जगह होता तो नहीं मैं यहाँ तक पहुँच पाता। बट बॉम्बे सैपर्स की वजह से मुझे फैसिलिटीज मिली और जो फ्रीडम्स बोलते स्पोर्ट्स में वो मिला, उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया।
ना कि मुझे अगर दूसरे सेंटर में या फिर दूसरे कहीं होता मैं तो मैं ऐसा ना कर पाता, ताकि क्या होता है हर जगह का अलग अलग माहौल होता है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, तो बॉम्बे सैपर्स की वजह से पहुंचा था कि उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक पहुंचने में। बॉम्बे सैपर्स के प्रत्येक जवान के लिए आप प्रेरणा भरे स्रोत, आपकी उपलब्धियां चुनौतियों भरी होंगी, चुनौतियों के बिना उपलब्धियां मिलना बहुत कठिन है, जाहिर है आपने भी उन चुनौतियों का सामना किया होगा। कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे क्षण आप हमारे साथ बांटे जिनसे लोगों को ये मालूम हो कि आपने कितने कठिन समय से निकल कर आज यहाँ इस मुकाम पे पहुंचे हैं। 2016 का जब ओलंपिक हुआ था तो उस टाइम मेरी मम कोमा में थी, तो बॉम्बे सैपर्स के कुछ मैंने जवान थे दो, तो वो मेरे मम के साथ हॉस्पिटल में रहते थे, और मैंने यहाँ कमांडिंग साहब से बात की थी उस टाइम कि साहब मुझे हेल्प के लिए दो बंदे चाहिए ताकि मैं आपकी माताजी के साथ हाँ वो रह सके और मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूँ, यस मेरा फोकस डाइवर्ट ना हो सके इसलिए। तो फिर साहब ने उसके लिए मतलब सपोर्ट किया, साहब बोले ठीक है आप ओलंपिक खेलो, हम यहाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं शुक्र अदा करूँगा बॉम्बे सैपर्स का कि उस टाइम मेरी मॉम कॉमन होने की वजह से भी उन्होंने अच्छा ध्यान दिया मुझे, मतलब ये भी नहीं फील हुआ कि यार एक दूसरा बंदा वहाँ पर खड़ा है और उस बंदे ने मतलब एक थोड़ा काम कर ढीलापन किया, बिल्कुल ऐसा नहीं फील हुआ। जब मैं ओलंपिक खेल के आया तो मॉम शाम मुझे पहचानती तो नहीं थी, पहले से ही नहीं पहचानती, जस्ट जब मैं ओलंपिक क्वालिफाई हुआ था तब से वो कोमा में, 8 महीने कोमा में रही मॉम। तो उसके बाद ओलंपिक होने के बाद मॉम 2 महीने के बाद एक्सपायर हो गई, बट मतलब काफी डिफरेंस वाला ये माहौल था कि एक साइड में मॉम कोमा में, आपकी माताजी हां माताजी कोमा में थी, और दूसरी तरफ आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना था, तो आपके लिए चुनौती भरा क्षण बहुत कठिन होगा। बहुत कर मतलब डिफरेंस था कि मैं इंडिया में भी नहीं था, मैं यूएस में प्रैक्टिस कर रहा था रोइंग की, वो भी प्रैक्टिस वहां पर भी नॉर्मल नहीं थी, हार्ड थी, इंडिया में बात भी करनी तो टाइमिंग का मैनेज करके बात करना था, कुछ भी बात होने के लिए काफी डिफरेंस था मेरे लिए। तो उसके बाद जैसे एशियन गेम्स ओलंपिक हो गया, ओलंपिक के बाद मैंने 2 कॉम्पिटिशन 2017 में भी खेले, पुणे में नेशनल था, तो उस नेशनल के दौरान भी मतलब घर में ध्यान देना, ताकि मतलब घर में मदर फादर कोई भी नहीं, छोटे भाई के ऊपर ध्यान देना और प्रैक्टिस करना। तो फिर नेशनल में 2 महीने फिर स्वर्ण पदक निकाले, फिर अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा कंटिन्यू। और जैसे कि जवान ड्यूटी 24 आवर्स जैसे बॉर्डर पे देते हैं या फिर कहीं भी अपना काम ईमानदारी से निभाते हैं, वैसे मैंने अपना काम बॉम्बे सैपर्स के लिए मतलब अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की, जितना हो सके मेरे से मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की। सच्चे सिपाही की तरह आप अपना खून और पसीना दोनों बहाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। यस मैम, तो 2018 में एशियन गेम्स हुआ था, तो एशियन गेम्स के दौरान मैंने पूरे साल प्रैक्टिस की, काफी ट्रायल्स होते हमारे रेस हुए। उसके बाद जब हम इंडोनेशिया में गए उस टाइम मुझे अचानक फीवर आ गया, तो फीवर इतना बढ़ गया कि 102 फीवर चला गया मैं। तो उसके टाइम मैंने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो एक इवेंट में मैं हार गया कुछ कारणों की वजह से, बट दूसरे दिन उस हौसले को मैं मतलब वापस कैसे आऊँ इंडिया में मुंह दिखाने के लिए, यार मैं इंडिया से आया हूँ मेडल लेने के लिए, मैंने काफी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि मैंने छुट्टियाँ ये चीज सब कुछ भूल चुका था, तो ओनली रोइंग सुबह शाम रोइंग करता था। तो मेरा फर्ज बनता था कि देश के लिए एक मेडल लेके जाओ, या मैं घर से बोल सकती यार मेरे पास एक मेडल है। तो फिर दूसरे दिन, पहले दिन तो मैं इतना डिप्रेशन में था कि हार चुका था, फिर दूसरे दिन उसी हौसले के साथ में उठा, और जैसे कि हमारा रेस था तो रेस से पहले काफी प्लानिंग्स होते हर प्लेयर्स के, वैसे हमारे प्लानिंग से हम 4 बंदे एक बोर्ड में थे दूसरे इवेंट में, उस इवेंट में मैंने हमने मतलब 2 किलोमीटर की रेस इतनी पावरफुल और माइंड से मारी, मतलब कि हमारा जैसे स्वर्ण पदक उस दिन लगा, तो उसके बाद हाँ यार आज मैं इंडिया को वापस जाऊंगा, मतलब तो मुंह दिखाने के लायक रहूंगा कि यार मैं खाली हाथ तो वापस नहीं आया। 2018 में एशियन गेम्स में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यस, उसी स्वर्ण पदक की मतलब ये गर्व की बात है। ये आपका कैसा था? यार वो मेरे लिए काफी गर्व रहा मैम, कि पूरी जिंदगी में याद रहेगा मुझे कि मैंने इस अनुभव को मतलब कैसे फेस किया, क्या क्या ये हुआ। आज मतलब वो याद करता हूँ तो और हौसला मिलता है अंदर से, वो तो मेरे लिए ये बात ये तो फिर नॉर्मल है। ये हमारे वर्षगांठ के लिए इस उपलक्ष्य में जो समारोह आयोजित किए गए हैं, वहाँ पे आपको बहुत से अपने गुरुजनों और अनुचरों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, आपको कैसा लग रहा है? यही कि मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है कि अगर 200 साल अपने बॉम्बे सैपर्स को पूर्ण हो रहे हैं, तो 200 साल पे काफी पुराने रोवर्स भी आएंगे और कोई अच्छे रोवर्स जिन्होंने जिन्हें हमने सिखाया और जिन्होंने हमें सिखाया, ऐसे रोवर्स भी आएंगे।
तो उनसे कुछ सीखने को मुझे मिलेगा, ताकि क्या होता है कि ऐसा ही माहौल में मिलने को मिलता है कि कोई अपने घर में प्रोग्राम हो, उसी प्रोग्राम के दौरान मतलब 200 साल अच्छा मौका आ गया कि मेरे ओलंपिक से पहले मुझे कुछ सीखने के लिए उनसे मिले, कुछ उपलब्धियाँ मिले और मैं क्या खुशी होगी मुझे कि छोटी छोटी क्या होता है कि घड़ा भरता है पानी का तो बूंद बूंद से भरता है, वैसे अगर थोड़ा थोड़ा भी उनसे मुझे नॉलेज मिल जाए तो मैं और डेवलप कर सकता हूँ। दत्तू भोकनल, आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, बॉम्बे सपर्स का नाम ऊंचा करने का ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। आज हमारे इस मंच के माध्यम से आप भारत के युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी मतलब खिलाड़ी आते हैं अपने देश में, पहले तो मैं हर घर के माता पिता को बताना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों को खिलाड़ी बनना चाहते हो या फिर किसी भी अच्छे क्षेत्र में लेके जाना चाहते हो तो पहले दो चीज़ों से अगर आप दूर रखोगे तो वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा। पहली चीज है आप मोबाइल, ताकि मोबाइल में आप जितने भी गेम खेलते हो उस गेम की वजह से आप ग्राउंड में गेम खेलो, कौन सा भी खेलो, और आपके अंदर दूसरा आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। जैसे कि आप मोबाइल की गेम को आगे बढ़ाना चाहते हो, वैसे अगर आप अपने शरीर मुष्टि की गेम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो देश का नाम, माता पिता का नाम और अपने जिस भी फैकल्टी में आप काम कर रहे हो, आर्मी में हो चाहे कहीं भी हो, तो आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो। बल्कि इसका एक ही कारण बनता है कि आप देश का नाम रोशन कर सकते हो, ना ही कि मोबाइल में आप कितना भी आप स्कोर बढ़ा लो उससे आपको मोबाइल देश का नाम नहीं रोशन हो सकता। दत्तू भोकनल, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया, हम आपके लिए इसके आभारी हैं। आयोजित समारोह का आप पूरा आनंद उठाएं और आने वाले अतिथियों और खिलाड़ियों को आप प्रेरित करते रहें और इसी प्रकार भारत और बॉम्बे सैपर्स का नाम रोशन करते रहें। शुभकामनाओं से, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।